तो भाई अपने पास आई है आज जो कि डिज़ायर रहने वाली है टूरस। पहले तो देख लो, नंबर प्लेट पूरा नया रहने वाला है। जस्ट अभी शोरूम से गाड़ी निकली और यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। इसके अंदर जो जो कुछ काम किए हैं सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। वैसे तो पूरा एक तरह से मान लो तो पूरा बेस टू टॉप काम कर रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले सामने से मैं आपको बताऊँ तो क्रिस्टलाइज विंडो की 220 वॉट की LED हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि अपने हाईलाइट में रहने वाली है। अभी रात के समय तो लाइव रिस्पॉन्स भी मैं आपको दिखाई दूंगा। और 120 वॉट अपने नीचे की तरफ इंस्टॉल कर रहे हैं। रिले वायरिंग भी प्रॉपर कर दी, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं इधर इसकी प्रॉपर रिले वायरिंग आप देख लो। सब कुछ कपलर टू कपलर है, ऐसा नहीं कोई आपकी वायरिंग कट की जाएगी, पूरा कपलर टू कपलर। ये रहा असेंबली अपनी रिले वायरिंग की और ये रही उसकी कपलर जो अटैचमेंट यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देख लो इसकी प्रॉपर फिटमेंट, जो कि प्रोजेक्टर लेंस हम लोग ने यहाँ पे लगाया, IPH के प्रोजेक्टर रहने वाले हैं। 120 वॉट की यहाँ पे LED इंस्टॉल कर दी है और रिले इंस्टॉल कर दी है अपनी प्रॉपर। साइड की तरफ मैं आपको बताऊँ कंपनी वाले व्हील कैप्स, किसी भाई को आफ्टर मार्केट चाहिए वो भी मिल जाएगा और किसी भाई को अलॉय व्हील लगवाने हैं तो वो भी लग जाएगा। 14 इंची से स्टार्ट हो जाते हैं इसमें रिम के साथ और अपने 20-22 इंची तक जहाँ तक आप जा सको वहाँ पे आप इसको लगवा सकते हो उतने तक। फिर यहाँ पे हैंडल क्रोम हम लोगों ने लगा दिया, यहाँ पे आप देख लो लोअर गार्निश हम लोगों ने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया, डोर वाइजर लगा दिए। नीचे की तरफ मैं आपको बताऊँ तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया, जो कि अपनी साइड बिल्डिंग है, ये मारुति जेन्युइन रहती है। किसी भाई को आफ्टर मार्केट वाली चाहिए तो 2-3 ऑप्शन आते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले आते हैं हम लोग तो इसका डोर पैनल चेंज कर दिया, अभी काम चल ही रहा है। इनर हैंडल हम लोगों ने लगा दिया जो कि आपके सामने में देख लो अपना मारुति जेन्युइन, ये भी पार्ट है ये भी पार्ट है। कंपनी से सर्विस चाहिए तो उसकी आप कंपनी से भी सर्विस ले सकते हो, हमारे से चाहिए तो हमारे से भी आप आके सर्विस ले सकते हो। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है जो कि अपना फैब्रिक में है, किसी भाई को लेदर में करवाना तो ये भी चीज़ हो जाएगा। उसके बाद पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे की तरफ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डोर पैनल आते हैं। डुअल कलर आपको सामने की तरफ मिलता है, पीछे की तरफ सिंगल पैनल आता है और सिंगल कलर में आता है जो कि अपने टॉप एंड मेरिट वाला रहता है। पीछे की तरफ इनर हैंडल हम लोगों ने चेंज कर दिया। डोर में हम लोगों ने यहाँ पे डैम्पिंग भी कर दिया, जो कि यहाँ की साउंड सुनो, यहाँ की साउंड सुनो और ये देखो, और साउंड भी आप इसके इंक्रीज हो जाती है जो कि आप देख सकते हो, दरवाज़ा लगते समय भी आपको पता लग रहा होगा। फिर अंदर की तरफ आपको बताऊँ तो अभी सीट कवर वगैरह यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, ब्लॉक पंख के कंपोनेंट को एक्सल स्पीकर्स लगा दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे स्टूडियो लगा दिया जो कि डेप्थ का रहता है। स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह सब कुछ चेंज किए हैं, अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू है। सामने की तरफ देख सकते हो मिंडा की डैम्पिंग भी आपको विजिबिलिटी यहाँ पे दिख रही होगी। जैसे ही इसको अब सब कुछ काम कंप्लीट करते हैं तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले आप ये देखो कुछ ये स्टीयरिंग इसमें पहले लग के आई थी जो कि अपग्रेड कर दिया हमने कंट्रोल के साथ, आपके सामने में है देख सकते हो उसको। बैक साइड की बात करूँ मैं तो बैक साइड में भी इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें बैक साइड में हम लोग लगा रहे हैं डिग्गी ओपनर, जो कि यहाँ का पूरा हार्डनेस चेंज होता है इस जगह का। और इस जगह पे स्विच अपनी इंस्टॉल होती है जो कि आपके सामने में इंस्टॉल हो चुकी है, हार्डनेस ये रही प्रॉपर कंपनी से जो आती है कुछ इस टाइप की आती है। और दोनों की फ़र्क की मैं बात बताऊँ तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क है, ये नॉर्मल यूजेस के लिए होता है और ये अपनी कंट्रोल वाली होती है जो कि अपनी पूरी प्रॉपर काम करती है। मारुति जेन्युइन ये भी पार्ट्स रहने वाले हैं, पीछे डिग्गी में भी हम लोग इसकी डैम्पिंग वगैरह कर रहे हैं कंप्लीटेड। और साइड मिरर हम लोग चेंज नहीं कर रहे, लेकिन साइड मिरर हम लोग इंडिकेटर इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर, तो इंडिकेटर और इसका सेम कलर आपको बॉडी पेंट से मिलता हुआ दिख जाएगा। तो एक बार जैसे ही काम कंप्लीट होता है तो फिर से आते हैं और कंप्लीट वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी हो चुकी है पूरी कंप्लीट, ऑल सेट यहाँ पे हमारी गाड़ी हो चुकी है रेडी, जो कि अपनी डिज़ायर आई थी टूरस। तो फ्रंट से मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या काम किया है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 220 वॉट की हम लोग ने LED इंस्टॉल कर दिया, जो कि हेडलाइट में इसकी आर पार लेवल की रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको निकल के आने वाली है। नीचे की तरफ हम लोग ने यहाँ पे IPH के प्रोजेक्टर इंस्टॉल कर दिए, जो कि प्रॉपर आपको कटिंग इसकी दिख सकती है, प्रॉपर फिटिंग आपको दिख सकती है। इसके अंदर 120 वॉट की हम लोग ने LED इंस्टॉल कर दी, IPH के ओरिजिनल प्रोजेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, जिसकी लाइफ भी अपनी बहुत तगड़ी होने वाली है। बाकी एक्सीडेंट वगैरह होती है तो ये ग्लास वगैरह टूट जाता है, वो कोई सी फॉगलाइट आपकी टूट जाएगी। उसके बाद साइड प्रोफाइल में मैं आपको बताऊँ तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पे हम लोग ने व्हील कैप्स लगा दिए, ये जेन्युइन वाले रहते हैं। आफ्टर मार्केट चाहिए ये भी मिल जाएंगे, अलॉय व्हील चाहिए किसी भाई को तो वो भी अपने पास मिल जाएंगे, दोनों आइटम मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ने लगा दिए भैया साइड बिटिंग, जो कि जेन्युइन वाले, किसी भाई को आफ्टर मार्केट वाले चाहिए तो यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट वाले दो मिलेंगे, जो कि इसी टाइप के एक लोकल में आते हैं और इसी टाइप के यहाँ पे अपने बैजिंग के साथ आते हैं, जिसपे डिजायर की अपनी लोगो लगी रहती है। पूरा लुक वाइज मैं आपको चेक करवाऊँ तो साइड का अपना लुक वाइज कुछ ये निकल के आता है। हैंडल क्रोम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, हैंडल क्रोम किसी भाई को हमारे पास से चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, इस पर आपको 1 ईयर्स की वारंटी भी हमारे पास आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लोअर गार्निश यहाँ पे हम लोग ने अपडेट कर दी है, जो कि आपके सामने में प्रॉपर इसकी फिटमेंट रहने वाली है, जेन्युइन अपनी लोअर गार्निश यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपना डोर वाइजर इंस्टॉल कर दिया, जो कि आपके सामने में देख सकते हो आप, पूरा इसका लुक वाइज आप देख लो कैसा कंट्रास्ट अपना साइड की तरफ से निकल के आ रहा है, आप देख के मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद बैक साइड में हम लोग आते हैं तो बैक साइड में हम लोगों ने इसके अंदर डिग्गी ओपनर इंस्टॉल कर दिया, जो कि 1 क्लिक में अपना ही अप होगा और प्रॉपरली खुलेगा। यहाँ पे डैम्पिंग में हम लोग ने मिंडा की कर दी, जो कि प्रॉपर लेयर में यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। बाकी अपनी हार्डनेस भी इंस्टॉल हो जाती है, जैसे ही अपनी
साउंड आप इसकी सुन सकते हो कैसी इसकी साउंड निकल के आ रही है, प्रॉपर अपना ही काम कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो भैया के यहाँ पे सामान वगैरह निकले थे वो मैं आपको बता दूँ, LED जो हम लोग ने इंस्टॉल किया था वो ये रहा कुछ आपके सामने में, भैया के हैलोजन वगैरह पहले निकली थी वो सब डाल दिए, ये रही अपनी नीचे की तरफ, ये रही अपनी ऊपर की तरफ की, और ये रहा अपना कुछ मीटर जो कि स्पीडोमीटर भैया के पहले आए थे नॉर्मल कंपनी से लग के वो यहाँ पर डाल दिए। फिर ये मोटर वगैरह यहाँ पे है हमारे पास जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जेन्युइन कंपनी से लग के आए थे हाथ से घुमाने वाले, ये वो वाले हैं अपने मोटर। कुछ गियर नो वगैरह हम लोग ने यहाँ पे ये चेंज कर दिए हैं, और अपनी स्टीयरिंग वगैरह चेंज हो गई, स्टीयरिंग का ये हब वगैरह चेंज हो जाता है जो कि आपकी इस हब पे चल नहीं सकता कभी भी अपना मोटर वगैरह, तो इस चीज़ को आप कहीं पे भी काम करवाओ तो इस चीज़ को जरूर देखो कि हब वगैरह वो अपने गाड़ी में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एयर बैग में फिर आपके इशू आना स्टार्ट हो जाता है। तो एयर बैग में आप इशू नहीं चाहते हो तो सबसे पहले आप इस हब को चेंज करवाना जो स्टीयरिंग के साथ होता है। उसके बाद हम लोग को बताएं आपको साइड प्रोफाइल में, तो मैंने आपको समझा ही दिया कि साइड प्रोफाइल में क्या क्या, अंदर की तरफ मैं आपको बताऊं तो बैक साइड का कुछ ये डोर है आपके सामने में, इनर हैंडल इसके अंदर प्लेस कर दिया हम लोग ने जो कि जेन्युइन अपने MGP के रहते हैं। इसकी सर्विस आपको MGP से भी मिल जाएगी, हमारे पास भी मिल जाएगी अगर कोई बात में कुछ परेशानी वगैरह आती है। जेन्युइन चीज़ में ऐसी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर पूरा डोर पैनल हम लोगों ने चेंज कर दिया जो कि डोर पैनल भैया के सिंपल लग के आए थे हाथ से घुमाने वाले। टूरिस्ट में आप लोग के पास गाड़ी है तो आपको पता ही होगा कि टूरिस्ट में कैसे डोर पैनल आते हैं, तो यहाँ पर डोर पैनल भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। स्विचेस वगैरह अपने जेन्युइन इंस्टॉल कर दिए। अभी की लेके मैं आपको ये चेक भी करवा दूंगा, उससे पहले फ्रंट साइड का भी मैं आपको डोर चेक करवा दूं। तो फ्रंट साइड का आपका ये डोर रहता है पूरा, आप इसका पैनल देख सकते हो पूरा अपना पावर विंडो का पैनल यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया। फ्रंट में भी अपने इनर हैंडल प्लेस कर चुके हैं, यहाँ पे मिरर की जगह पे अपना डेमो पीस लग चुका है। फिर ये अपने स्विचेस वगैरह हैं जो कि प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, लॉक अनलॉक वगैरह सब कुछ काम करेगा यहाँ पे अपना देख सकते हो, ये अपना प्रॉपरली काम करेगा, डाउन वगैरह सब कुछ अपने ये पावर विंडो का सब कुछ स्विच वगैरह काम करेगा। टॉप मॉडल में ये वुडन फिनिश आपको मिल जाता है, VXI वाला वेरियंट लेते हो इसमें तो VXI में आपको ये वुडन फिनिश नहीं मिलेगा, सेम कलर आपको इसमें डोर पैनल दिया जाएगा। बाकी ड्यूल टोन में इसके डोर पैनल रहते हैं जो कि आपके सामने में, किसी भाई को पावर विंडो करवाना है वो भी हो जाएगा। यहाँ पे अपना फैब्रिक टच होता है जो कि आपके सामने में, किसी भाई को लेदर रैप करवाना है तो इस जगह पे लेदर रैप आप करवा सकते हो। बाकी एक बार दिखाऊं मैं आपको मीटर, तो मीटर ये रहा, और एक बार चाबी लेके भैया से दिखाते हैं कि एक बार ये गाड़ी का कैसा लुक वाइज निकल के आ रहा है जलने के बाद। तो ये रही चाबी अपनी जो कि आप देख सकते हो, मारुति की अपनी जेन्युइन चाबी रहने वाली जो कि आपके सामने में प्रॉपर देख सकते हो आप। तो अंदर की तरफ आते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अपना डोर पैनल आप चेकआउट कर लो, यहाँ पे इजीली अपने वर्किंग रहने वाले, वन टच में अपने डाउन होंगे और प्रॉपरली अपने ये देख रहे हो आप भी हो सकते हैं। अगर जैसे कि मैं यहाँ से अब इसको लॉक कर देता हूँ तो अपने साइड मिरर कोई से भी अपने काम नहीं करेंगे साइड के, यहाँ से जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ अपने कोई भी यहाँ से डाउन नहीं होंगे, और जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ रिलीज़ करता हूँ तो आप इजीली देख सकते हो वहाँ पे अपना प्रॉपरली काम कर रहा है, इजी टू वर्क रहने वाला है। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो मैं फ्रंट डोर से ही सारे कंट्रोल्स अपने कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये चीज़ मैं यहाँ से अब इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ की इशू यहाँ पे हो जाती है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, अगर चाइल्ड लॉक आप लगवाना चाहें तो आप अपने मतलब कि गाड़ी में आपको ये सेफ्टी फीचर मिल जाता है, आप इसको जैसे ही दबा देंगे तो अपना कोई भी बच्चे वगैरह इसको पीछे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने फ्रंट में, तो आप देख सकते हैं ये अपना कुछ मीटर है जो कि स्पीडोमीटर आप देख सकते हो, प्रॉपरली अपना CNG और पेट्रोल दोनों यहाँ पर आपको शो कर रहा है, और यहाँ पे कुछ इसके ये आप देख सकते हो इसका कुछ ये डिजिटल मीटर निकल के आता है, और जैसे ही मैं इसकी फ्लैश ऑन करता हूँ बाहर की अपनी फॉग लैंप तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी डाउन हो जाएगी देखो, और जैसे इसको मैं बंद करता हूँ इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाएगी। ये इसके अंदर का फीचर है जो कि टॉप मॉडल वाला फीचर, वो आपको इसमें भी प्रोवाइड मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सारी साइंस आपको आ रही होंगी, जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे बस आपको सीट बेल्ट का साइन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अपना हीटिंग वगैरह का जो शो करता है वो करेगा। यहाँ पे फॉग लाइट अपना ऑन है इसलिए आपको फॉग लाइट का कर रहा है, यहाँ पे जैसे मैं बंद करता हूँ तो फॉग लाइट का भी साइन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप अपना इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो रेंज वगैरह, और इसको भी आप अपने हिसाब से इसको किलोमीटर रेंज वगैरह इसको भी सेट अपने हिसाब से कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे हम लोग ने एंड्रॉइड सिस्टम की बात करूँ तो एंड्रॉइड सिस्टम आप देख सकते हो डैप्स का हम लोग ने लगा दिया, जिसकी अपनी रफ टू टफ वाली क्वालिटी रहने वाली है, ये देख सकते हो आप प्रॉपरली वर्क करेगा। 1 ईयर्स की रिप्लेस वारंटी भी आपको इस पर मिल जाती है, तो यहाँ पे आप इसकी विजिबिलिटी भी प्रॉपर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अपना इसमें आपको YouTube वगैरह चलाना है तो आप इसलिए वर्किंग इसको ले सकते हो, अपने ID वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे, नेविगेशन भी आपको मिल जाएगा इसलिए इसको प्रॉपर वर्किंग पे आप ले सकते हो। बाकी फाइल मैनेजमेंट वगैरह अपना प्ले स्टोर वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे, आपको कुछ भी डाउनलोड वगैरह करना है तो यहीं से आप कर लोगे। बैक गेयर डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ,
तो इसमें हम लोग ने बैक कैमरा इंस्टॉल नहीं किया है। बाकी नीचे की तरफ मैं अगर बात करूँ तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो 70 मैट हम लोगों ने लगा दिया। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे वाटरप्रूफ हमने फ्लोरिंग इंस्टॉल कर दिया जो कि प्रॉपर रहने वाला है। ये अपने 70 मैट्स भी प्रॉपर रहते हैं जहाँ पे आपको ये कटिंग मिल जाती है जो अपने डिग्गी प्लेस के लिए। लेकिन अब यहाँ से डिग्गी अपनी वर्किंग नहीं रही, तो लॉक अनलॉक पे पीछे से अपने सीधे वर्किंग हो गई है। लेकिन उसके बाद आपको मैं बताऊँ तो ये अपने स्टीयरिंग कंट्रोल हम लोगों ने अपडेट किया जो कि अपने प्रॉपर रहता है, जो कि आपके सामने में ये देख सकते हो आप। और ये अपने म्यूट के लिए होता है जो कि प्रॉपरली आप इसको भी यूज़ में ले सकते हो। फिर ये अपने कॉल्स के कंट्रोल हो गए, तो किसी भाई को स्टीयरिंग चेंज करवाना तो आप स्टीयरिंग भी इसको चेंज करवा सकते हो। बाकी एक बार मैं आपको साउंड सुना देता हूँ कि साउंड कैसे निकल के आ रहा है, वो भी आप देख लेना। उससे पहले आप इसके सीट कवर्स देख लो आप, प्रॉपरली इसके सीट कवर्स लगे थे। ये अपने VXI वाले आए थे, तो इसकी सीट भी हम लोगों ने कटिंग किया है। सीट कटिंग करके प्रॉपरली इसके अंदर सीट भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी है जो कि आपके सामने में बर्फी टेक्चर। उसके बाद ये मेहरून थ्रेड में अपना ये वाइट थ्रेड के साथ हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया जो कि आपके डुअल कॉम्बिनेशन कैसे लग रहे हैं अगर मुझे जरूर बताना। बैक साइड का कुछ ये फिनिश निकल के आ रहा है जो कि प्रॉपरली रहना है। डैम्पिंग का भी मैं आपको एक बार साउंड सुना दूँ, तो प्रॉपरली इसकी डैम्पिंग की साउंड सुन लो आप, तो डैम्पिंग से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साइड में हम लोगों ने इंडिकेटर वाले इंस्टॉल कर दिए जो कि आपके सामने में प्रॉपरली वर्किंग रहते हैं। भैया पार्किंग ऑन करना अपना, जो कि आपको प्रॉपरली इंडिकेटर मिल जाएंगे, लेकिन हाथ से अपने मैनुअली काम करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भाई को साइड में इंस्टॉल करवाने तो पूरे ऑटोमेटिक वाले साइड में भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। बाकी एक बार चलते हैं, एक बार साउंड सुना देता हूँ, फिर कस्टमर जो रिव्यू है अपना फीडबैक वो भी मैं आपको दिला देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने साउंड भी सुन लिया, एक नंबर यहाँ पे ब्लॉक पंक के कंपोनेंट को एक्सल के साउंड निकल के आने वाले हैं जो कि यहाँ पे हम लोगों ने रूफ लाइट भी प्लेस कर दिया। आपके सामने भी दिखाऊं, पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया। ओनली फॉर एक ये लग के आता है जो कि आपके LXI वेरिएंट है, तो आपके पास यही लग के आएगा। अपने ऊपर वाले वेरिएंट में लग के आता है, तो ये भी हम लोगों ने मारुति जेन्युइन यहाँ पे प्लेस कर दिया जो कि वन क्लिक में, और ये देख सकते हो आप। और इसको मैं करूँ तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे आपको कर देगा। इसलिए आप इसको चाहो तो बंद भी कर सकते हो, यहाँ से प्रॉपरली रहता है, तो इजी टू फिट वाला अपना काम था। एक बार चलते हैं कस्टमर के पास, जो फीडबैक उनकी कैसे निकल के आ रही है, एक बार देखते हैं कि कैसा उनको काम लगा, आए कहाँ से, कैसे उन्होंने क्या हमारे पास विजिट किया, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये भैया हमारे पास आए थे जो कि एक भैया भाई थे, एक ये भाई थे जो कि डिज़ाइन लेके आए थे। तो भैया आप आए कहाँ से थे पहले? दिल्ली से ही हैं, वजीराबाद से। वजीराबाद से भैया आए थे, नाम भैया आपका? मेरा नाम भाई शाम। भैया आपका कैफ? अच्छा, भैया का नाम कैफ है, भैया का नाम शाम है। तो भैया जो आपने इससे मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले आप आ चुके थे हमारे पास, तो जो भी आपने हमारे पास काम देख के आया, कैसा आपको काम लगा? उस टाइम में भी आप आए थे हमारे पास, काम बढ़िया। हाँ, तो उस टाइम में भैया आए थे, तो उस टाइम में इन्होंने गाड़ी अपनी बुक कर रखी थी, जो भी पर्ची वगैरह हमसे बनवाए, अपना एक लिस्ट वगैरह बनवाया, फिर उसके बाद अभी गाड़ी लेके आए हैं। तो गाड़ी 15-20 दिन के बाद डिले हुई आपकी, ठीक है? तो आप जैसा भी हमारे पास काम देख के आया वैसा आपको काम मिला? थोड़ा लेट हुआ है मैं मानता हूँ, गाड़ी का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था। कितनी गाड़ियाँ थी भैया आज आप आए तो? भैया शायद 8-9 गाड़ियाँ थी। 8-9 गाड़ियाँ थी, उस प्रेशर में भैया का काम हुआ है। भैया कम से कम 4-5 बजे आप आए होंगे, है ना भैया, इस टाइम में विजिट किए। तो अब मैं बताऊं, जो भी हम लोग ने काम किया प्रॉपरली अपना, सारा कुछ अपना सही था? बिल्कुल भैया, जो कहते हैं कपलर काटते नहीं है, तो कपलर टू कपलर काम रहता है कि कुछ वायर वगैरह कट किए थे? कपलर टू कपलर ही काम था। किसी भाई को आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, जो आपके रिलेशन में हो गए। अगर मैं कहूँ कि जो भी हम लोग ने काम किया है, जो भी हम लोग के वर्कर ने काम किया, 10 में से कितनी रेटिंग आप देंगे? 10 में से 10 पूरे सेटिस्फाई हैं आप? ओके भैया, थैंक यू। तो भाई आप लोग ने हमारे कस्टमर का फीडबैक भी ले लिया, देख लिया कि कैसा हम लोग के पास काम रहता है। अगर आप लोग के पास डिज़ायर है, चाहे आप प्लान कर रहे हैं कि डिज़ायर लेने की, चाहे आपके पास स्विफ्ट है, तो मारुति की कोई भी गाड़ी हो, आप एवरीथिंग यहाँ पे आ सकते हो। A4 का SSC से ओनली 4, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली काम मिलेंगे, हर चीज़ के जेन्युइन पार्ट्स आपको दिए जाएंगे। कपलर टू कपलर जिस काम को कहते हैं, वो कपलर टू कपलर करते हैं, बात से काम नहीं चलता, काम करके देना पड़ता है। तो वही चीज़ आपको करके दिए, आपके सामने भी है,
कस्टमर फीडबैक जो रियल फीडबैक होता है वो आपको हम लोग हमेशा कस्टमर से दिलवाते हैं। तो आप लोग विजिट कर सकते हो, कुछ ऐसा ही आपको काम चाहिए हो तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है जो कि अतुल का भी और मेरा भी है, और आओगे शॉप पे तो मैं भी आपको मिलूंगा, अतुल भी मिलेगा। तो आप आओ विजिट करो, कुछ ऐसा ही आपको काम करवा रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हो, चाहे आपकी प्लान वाली कोई गाड़ी है, तो आप आओ इजीली A4 का ऐसे पे विजिट करो, कुछ ऐसा ही काम करो, अच्छी गाड़ी डिस्काउंट के साथ, अच्छा खासा काम आपके सामने में था। तो कैसा लगा एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक वगैरह कर देना, और बाकी अपना प्यार दिखाते रहना।